आज ध्यान से देखकर हर रिपोर्ट को देश के युवाओं के हित में सरकारों को जगाने के लिए दस्तक दीजिए। ये नौजवान है, ये इनका धरना चल रहा है और इनकी आज भी बेरोजगारी चल रही है। ऐसी बेरोजगारी की व्याख्याता भर्ती, नर्सिंग भर्ती, कंप्यूटर शिक्षक, फार्मासिस्ट, ऊर्जा विभाग, जलदाय विभाग, जल संसाधन, फायरमैन, फायर ऑफिसर, क्लिनिकल हेल्पर समेत 12 भर्तियों में दावा है 25 लाख नौजवानों की सांसें ऐसी रोक कर रखी गई हैं कि नौकरियों की प्रक्रिया पूरी कराने के लिए 9 दिन से धरना देते नौजवान बेहोश होने लगे। साथ ही पंखा झलते हैं, हाथ मलते हैं, आंखों में जिंदगी की उम्मीद खोजते हैं, पसीना पोंछते हैं, सीना सहलाते हैं, लेकिन 9 दिन बाद भी अब तक इनकी किसी ने नहीं सुनी। 10,029 पदों पर पंचायती राज LDC भर्ती 8 साल से फंसी, 1,534 प्रयोगशाला सहायक भर्ती 3 साल से लटकी है, 10,000 से ज्यादा नर्सों की भर्ती 2013 से अटकी है। इस तरह 12 भर्तियों में 25 लाख नौजवान अपनी नौकरी का इंतजार कर रहे हैं। 2018 में जो SSC की भर्तियां हो जानी चाहिए थी उसका प्रोसेस अभी चल ही रहा है, यही हालत रही तो कम से कम 2025 तक 2 लाख लोगों को रोजगार मिल पाएगा जो SSC की तैयारियों में लगे हुए हैं, जो फॉर्म भरे हुए हैं, जो एग्जाम दे रहे हैं। कैमरामैन शर्मा के साथ शरद कुमार, जयपुर आज तक। देश में बेरोजगार अब 3 तरह के पाए जाते हैं। एक, जिन्हें नौकरी नहीं मिलती। दूसरे होते हैं चयनित बेरोजगार, जो एग्जाम तो नौकरी का निकाल लेते हैं लेकिन उन्हें नियुक्ति पत्र नहीं मिलता। और तीसरे होते हैं योग्यता से कहीं कम की नौकरी पाने के बाद एक तरह की बेरोजगारी झेलने वाले नौजवान। तो सवाल उठता है कि आखिर ऐसी हालत क्यों होती है? क्या नेता बनना आसान हो गया और सरकारी नौकरी पाना मुश्किल? आज ही गुजरात में लोकल बॉडी इलेक्शन के नतीजे आए, BJP को 6 में से 6 महानगर पालिकाओं में बहुमत मिला। अब ये जीते नेता फौरन शपथ भी ले लेंगे और काम भी शुरू कर देंगे, लेकिन नौकरी में ऐसा नहीं होता। नेताओं की चुनावी प्रक्रिया और नौकरी की भर्ती प्रक्रिया की एक तुलना देखिए। नेता किसी चुनाव में उतरते हैं तो नामांकन की तारीख तय होती है, लेकिन भर्ती प्रक्रिया में नौकरी कब निकलेगी पता नहीं होता। इसके बाद नेताओं को चुनने के लिए वोट किस दिन होगा तय रहता है, लेकिन भर्ती का विज्ञापन निकला तो परीक्षा भी होगी इसकी गारंटी तक नहीं होती। चुनावी नतीजा कब आएगा इसकी तारीख तय होती है, लेकिन भर्ती परीक्षा के नतीजे महीनों, कई बार वर्षों तक लटके रह जाते हैं। इलेक्शन का नतीजा आता है तो नेताजी शपथ किस दिन लेंगे इसकी भी तारीख तय रहती है, लेकिन सरकारी नौकरी का नतीजा भी निकल गया तो नियुक्ति पत्र मिल जाएगा ये भगवान भरोसे रहता है। चुनाव में कोई विवाद हुआ तो अदालत से फैसला भी हाथों हाथ होता, लेकिन किसी नौकरी के लिए भर्ती परीक्षा में मामला अदालत में गया तो वहां से फैसले की तारीख भी कब आएगी कुछ तय नहीं होता। ऐसे में अब कांग्रेस शासित राजस्थान के बाद BJP की सरकार वाले उत्तर प्रदेश आपको ले चलते, जहां दावा है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन सेवा आयोग यानी कि UP SSC अभी तक अखिलेश सरकार में निकली नौकरियों में ही उलझा हुआ है। पीछे प्रतियोगी परीक्षा की किताबें करीने से लगी हुई और आगे एक चेहरा, तो किताबें बहुत सी पढ़ी इन्होंने लेकिन नौकरी का चेहरा आज तक नहीं देख पाए। अखिल प्रताप जैसे युवाओं की कहानी लखनऊ से संवाददाता कुमार अभिषेक लेकर आए हैं। अखिल ने क्या चुनावी साल में वर्षों से लटकी चली आ रही नौकरियों को एक साथ देकर वोट कैश कराने वाले आंकड़े गिनाने की तैयारी हो रही है? कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक। लोगों के मन में सवाल हो सकता है कि अरे मेरा बेटा बेटी तो प्राइवेट नौकरी करते हैं, हमें क्या फर्क पड़ता है। कुछ लोग सोच सकते हैं अरे ये तो सरकारी नौकरी पाने के लिए परेशान लोग हैं, हमें क्यों चिंता करनी। तो ऐसा सोचने वाले लोग अपना नुकसान भी बेरोजगारी के कारण जान लें। भर्ती प्रक्रिया लटकती है तो सरकारी दफ्तरों में काम का बोझ बढ़ता है, कम लोगों के ऊपर ज्यादा काम होने के कारण आम आदमी की फाइल, जनता का काम सरकारी दफ्तरों में लटकता चला जाता है। सरकारी दफ्तरों में फाइलों का अंबार लगता जाता है तो भ्रष्टाचार जन्म लेता है, जल्दी काम कराने के बदले रिश्वत का लेनदेन शुरू होता है और फिर इसका असर आप तक भी पहुंचता है। इसको सीधे समझिए कि पुलिस में भर्ती पूरी नहीं होगी तो अपराध बढ़ेगा, कीमत आप चुकाएंगे। तो चलिए अब आपको गुजरात लेकर चलते हैं। गुजरात में लोकल बॉडी इलेक्शन हुआ, जो जीते अब तुरंत शपथ भी लेंगे, गद्दी भी संभालेंगे, काम भी करेंगे, वेतन पाएंगे, भत्ता भी पाएंगे। लेकिन अहमदाबाद की जिग्ना भावसार जैसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने मेहनत की आंच पर
अपनी शिक्षा हासिल की, उसी शिक्षा से जब नौकरी पाने की बारी आई तो सपनों को सिस्टम ने घिस दिया। जिग्ना ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की, इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने लगी। 2015-16 में GPSC यानी गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम प्रोफेसर बनने के लिए दिया। 2019 में जाकर रिजल्ट आया तो प्राइवेट स्कूल ने टीचर की नौकरी से हटा दिया। अब 2021 आ गया लेकिन वेरिफिकेशन के बावजूद नियुक्ति की चिट्ठी आज तक जिग्ना को नहीं मिली। अपॉइंटमेंट लेटर हमें अभी तक नहीं मिले हैं, 1.5 साल हो गए हैं। पुलिस वेरिफिकेशन के बाद भी हमें 1.5 साल हो गए हैं अभी की